इस बार घर में फ्रूट में है ग्रेप्स, फिग, और ये फिग मुझे बहुत पसंद है, बहुत मतलब बहुत। और ये मैंगोसा, बहन रुको, मैंगो बहुत पसंद है, और एवोकाडो हम दोनों का फेवरेट। तो इस बार फ्रूट्स में घर में इतनी ही चीज़ें हैं, तो ये तो तीनों हम फ्रूट्स एज ए फ्रूट्स खाएंगे, और इसे सैलेड में खाएंगे या फिर प्लेन भी खा लेंगे, ये तो हम ऐसे ही खा सकते हैं किसी भी टाइम। पर मैंने दही वाले बर्तनों को धो के रख लिया है, मैं मोस्टली दही इसमें ही बनाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इससे पानी जो थोड़ा बहुत रहता है ये सोख लेता है और मस्त दही बनता है। ये ढक्कन एक है मेरे पास, एक मुझे लाना था बट ला नहीं पाई, ये सब कैलिफोर्निया से ही लाए थे मैंने, और यहाँ आकर के तो कुछ हुआ ही नहीं। मैंने सोचा था इसका ढक्कन ले लूँगी माइकल से, बट अभी जा कर के चेक करूँगी और लेके आऊँगी। अभी 7:45 हो रहा है और लग रहा है कि स्टॉर्म का सेकेंड फेज फिर से आएगा, और सुबह से ही बारिश स्टार्ट है देखिए, और बहुत गर्जन हो रही है, थंडर शाउटिंग हो रही है और लाइटनिंग हो रही है। शायद आज दिन भर स्टॉर्म रहेगा लगता है, क्योंकि सुबह 5 बजे मैं उठी थी तब से ये है, पता नहीं। आज तो मैं बालकनी के डोर वोर सब बंद करके रखूँगी, नहीं तो पानी अंदर आने के चांसेस रहेंगे। देखिए आई थिंक आप लोग को आवाज़ आ रही होगी बादल गरजने की। गरज रहा है बादल, स्ट्रॉम ही है लगता है, हैवी रेन का अलर्ट है डेलावेयर में। आज हमने बर्ड्स को साइड में ही दे दिया था राइस, उनका फूड देखिए बहुत सारी आई हैं, क्योंकि वेदर में अभी थोड़ा चेंजेस आया है, अभी शाउटिंग नहीं हो रही और रेन भी कम हो रहा है, तो ये चिड़िया आ गई है। आज गीली भी नहीं हुई है, कुछ गीली है कुछ चिड़िया के लिए, पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। अगर मैं साइज़ और बड़ा करती हूँ, ये देखिए ये आई हैं चिड़िया, ऐसे पूरा झुंड रहता है पूरे बालकनी में, बट अभी तो कम है रेन के कारण। ये देखिए कितनी भूखी है, अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ है हमें दिए हुए, उनको पता चल जाता है, वो दूर से देखते रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज है ना, और इधर भी एक ट्री है, पास नहीं जाते, दिए नहीं दिखाते, नहीं तो फिर वो भाग जाएंगे, उनको डिस्टर्ब होता है, थोड़े भी आहट से चले जाते हैं। तो एक फर्स्ट बैच तो हो गया इनका फूड का, और एक पाउच इतना ही चावल डाल दिया था आज हम लोगों ने, क्योंकि पता था बहुत भूखी रहेंगी और बार बार आ नहीं पाएंगी। मॉर्निंग फ्रेंड्स, इसमें 3 to 4 माइल मैं वॉक करती हूँ महेंद्र के साथ, रनिंग भी करती हूँ साथ में। तो आज सुबह बारिश हुई थी तो हम लोग आज थोड़ा देर से आए हैं बारिश बंद होने के बाद। हाँ, आज मैं सब्जी में बना रही हूँ गोभी के जो डंठल होते हैं ना उसको और चना दाल को, तो इसमें हल्दी डालकर मैंने इसे बॉयल करने को लगा लिया था, मैंने 5 सीटी लगाई है और चना दाल भिगाया नहीं था, क्योंकि ये जो गोभी का जो डंठा होता है वो बहुत हार्ड होता है, इसको बॉयल कर लिया है 5 सीटी तक। और इधर कट कर लिया है गार्लिक एंड टमाटो, पैन में डाल दिया है ऑयल, और ऑयल ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, तो गर्म ऑयल में मैं डाल रही हूँ गार्लिक, और गार्लिक को गोल्डन रेड होने तक कुक करूँगी। और यहीं पे मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची को टुकड़े करके, अगर कोई भी चीज़ तड़का मारते हैं या फ्राई करते हैं तो लाल चिली ऐसे डाल देने से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन बशर्ते कि लाल मिर्च जो ऑयल में अच्छे से फ्राई हो तभी इसका टेस्ट आएगा। तो इसको मैं फ्राई करती हूँ 3 से 4 मिनट तक, देखिए मस्त ये तल गया है जो मिर्ची है, और गार्लिक भी कलर चेंज कर दिया है। तो यहाँ से मैं ये लूँगी और पानी को निखारते हुए इसमें डालूँगी, तो पानी इसमें डालूँगी तो छाए से आवाज़ आएगी, तो तेल है ऐसे हो जाता है। और मैं ये सेकंड बैच को डाल करके हूँ यहाँ पर ढक्कन बंद कर दूँगी, क्योंकि ढक्कन बंद कर देने से जितना भी उसका वेपर है वो अंदर ही रहेगा और मस्त तड़का लगेगा, फ्लेवर अच्छा आएगा, नहीं तो पूरा बाहर निकल जाएगा। बहुत औसम खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त टेम्पटिंग है। अब इसके बाद मैं 2 मिनट हो जाए उसके बाद ये पूरा उठा के डाल दूँगी उस
उस वाले पैन में। ये 2 मिनट हो गया है तो ये जितना है मैं इस पैन में डाल देती हूँ और ये पानी सूखते तक टमाटर भी डाल दूँगी इसमें भी और दोनों को पानी सूखते तक कुक करूँगी। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है टमाटर और नमक दोनों को। अब इससे एक बहुत बढ़िया सा मिक्स दे देती हूँ ऐसे और इसे ढक कर के रख देती हूँ पकने के लिए और बीच बीच में चेक करूँगी। मोस्टली हाई हीट पे 10 मिनट लगेगा मुझे। और आज मैं बनाने वाली हूँ कर्ड राइस, तो मैंने राइस यहाँ पे बॉईल करने लगा दिया है और साथ ही कर्ड को फेंट लिया है और नमक डाल दिया है इसमें ऐसे। और यहाँ पे निकाल लिया है राई और कड़ी पत्ता निकाल लेती हूँ फ्रिज से। और ये मैंने कच्चे आम की चटनी पीसी थी तो इसमें थोड़ा मिर्ची ज़्यादा हो गया, तो महेंद्रो मिर्ची ज़्यादा नहीं खा पाते हैं तो उनके लिए मैं टमाटो की चटनी पीसूँगी। थोड़ा सा इसका आम का चटनी डाल दूँगी उसमें। तो ये मैंने रेडी कर लिया है, टमाटर काट दिया, उसमें डाल दिया है नमक क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है और ये आम का पिसा हुआ चटनी डाल दिया है। इसमें सब कुछ था, सब कुछ मतलब जीरा नमक और मिर्ची, और मिर्ची काफ़ी ज़्यादा था आम के साथ तो ये बैलेंस कर लेगा, तो इतना ही डाला है। धनिया तो है नहीं, धनिया बहुत मिस करती हूँ मैं और खाते समय ही इसे ग्राइंड करूँगी, ये तो उसमें पानी छूट जाएगा और फिर वो अच्छा नहीं लगता है पानी छूटने के बाद। तो दोनों के लिए अपनी अपनी वैरायटी ऑफ चटनी हो जाएगी, तो 2 टाइप की चटनी हो जाएगी मेरे पास। और ये मैंने जार को मिक्सर में फिक्स करके रख दिया है तो ग्राइंड करते समय मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा और खाते समय बहुत जल्दी हो जाएगा। तो जैसे ही सब्जी बन जाएगा तो मैं इसे कर लूँगी। और इस तरफ मैं चेक कर लेती हूँ एक बार क्या स्टेटस है वेजिटेबल का। ये सब्जी ना हमें बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है, तो जब भी गोभी आती है ना तो ये ज़रूर बनाती हूँ मैं। इसका डंठल अगर अच्छा निकला तो परफेक्ट बनती है ये, देख क्यों वेस्ट करना है ना, ये भी तो ग्रीन है राइट, और इसका टेस्ट ऑसम आता है। इसे अब ढक देती हूँ और फिर चेक करूँगी थोड़ी देर में। एरोप्लेन ऊपर चल रहा है तो आवाज़ आएगी उसकी। और यहाँ पर मैंने पूरा पानी इसका सुखा दिया है ऑलमोस्ट, इस इतने पे ही बंद करूँगी क्योंकि अभी पैन जो है वो गर्म रहेगा तो पूरा पानी ड्राई आउट हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको बंद कर देती हूँ अब। और इधर राइस बॉयल हो चुका है तो इसका पानी निकाल देती हूँ। राइस का पानी निकाल दिया है मैंने यहाँ पर अभी, ये देखिए। अब मैं थोड़ा सा राइस बचाऊँगी, कभी ना सब्जी के साथ सान के खाने के लिए अच्छा लगता है। और यहाँ पे पैन गरम करने लगा दिया है, इस पर मैंने डाला है घी और ये करी पत्ता भी निकाल लिया है, सूख गया है फ्रिज में ही रखे रखे सूख गया। अब ये ऑलमोस्ट गरम हो गया है तो मैं डाल देती हूँ राई को और इसको ना सब्जी के ढक्कन से ही ढक देती हूँ क्योंकि ये तड़का बाहर आता है तो मुझे बहुत डर लगता है और पूरा फैल भी जाता है, क्लीन करना पड़ता है। इसको तड़का लेती और यहाँ पे आधे राइस को मैंने डाल दिया है इस दही में और यहाँ पे गैस बंद कर दिया है क्योंकि जल जाता है नहीं तो करी पत्ता। तो करी पत्ता डाल दिया, एक बार ऐसे बस ऐसे ही रोटेट करूँगी, दैट्स इट। करी पत्ता को कुक करने की ज़रूरत नहीं है। और ये अब इस तड़के को भी डाल देते हैं इसमें और इसे भी 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। मिक्स कर देती हूँ इसको अच्छे से और ये रेडी। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे वन ऑफ फेवरेट डिशेस में से है और इजी भी है, क्विक भी है, हेल्दी भी है। ये रेडी हो गया और ये हमारा रेडी है खाने की जगह। और इसमें है राइस, चटनी मैंने पीस ली है आम की चटनी, कर्ड राइस और ये गोभी का डंठा है, चना दाल और ये नमक भी अगर कम ज़्यादा हो गया तो, मुझे थोड़ा ज़्यादा नमक चाहिए होता है। अभी मेरा लंच हो गया है और नाउ मैं रिलैक्स करके बैठी हूँ। अभी 2:30 बजे हैं और महेंद्र ने भी ब्रेक लिया है। आपसे सर्वाइवल का क्या मीनिंग है? सर्वाइवल का ये मीनिंग है कि हम कितना अच्छा खा पा रहे हैं या कितना बढ़िया लाइफ स्टाइल जी पा रहे हैं, ये क्या मीनिंग है सर्वाइवल का?
मेरे हिसाब से सर्वाइवल का मतलब है जो मन में आए वो खा सको, बढ़िया से नींद आए, बढ़िया टाइप के उठ पाओ और जो चाहो वो कर पाओ। मुझे भी ऐसा लगता है एक्सपेंसिव है बट एटलीस्ट लाइक जैसे कहीं घूमने जाना है तो जा सकते हो, कोई चीज खाने का मन कर रहा है उसको खा सकते हो, नींद के लिए कुछ और चीज चुभनी चाहिए, रात को अच्छे से नींद आ जाए, मेरे हिसाब से तो यही है। मुझे भी ऐसा लगता है। और जैसे कि घूमना जाना भी मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है जितना कि खाना सोना और अच्छे से जीना, मतलब अच्छे से जीना कि तुम्हारा फिजिक अच्छा रहे। जैसे कि बर्ड्स लोग को देखो, वो लोग क्या करते हैं, खाती पीती हैं और सोती और घूमती हैं। एनिमल्स लोग भी ऐसे ही करते हैं, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है घूमना भी सेकेंडरी है बट खाना पीना और जैसे आराम से सो जाना, बॉडी का फंक्शन वेल हो, है ना, सारा सिस्टम अच्छे से काम करे बॉडी का, ये मुझे प्रायोरिटी लगता है। वही है क्योंकि किसी के साथ कंपेयर तो कर ही नहीं सकते। आपकी नींद आपके हाथ में, आपकी भूख आपके हाथ में, ऐसा नहीं है कि आप कोई महंगी चीज ले लो तो आपका पेट उससे जल्दी भर जाएगा या जो जो सस्ती चीज है उससे पेट नहीं भरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ईडेबल होना चाहिए और फिजिक के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए, थोड़ा हेल्थ बेनिफिट होना चाहिए और इंसान का मन हो उसका खाने का। कई बार ऐसे होता है ना जो चीज़ हेल्दी नहीं है लेकिन हम डेस्परेट और बहुत अच्छे मन से खाते हैं वो भी शरीर को लगती है, ऐसा नहीं है, राइट? बेसिकली आपके माइंड सेट, थॉट और आप किस तरीके का सोच रहे हो उस पर डिपेंड करता है सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है। तो एक बार ऐसी पूछा मेरे से कोई कि आप इतना दौड़ते क्यों हो, इतना रनिंग क्यों करते हो 3 से 4 माइल, मेरा आंसर क्या था, मुझे जो मन में आए जो चाहूं मैं खा सकूं इसलिए मैं दौड़ता हूं। करेक्ट था। तो ब्रेन सेट ऐसा है कि मैं ज्यादा खाऊंगा तो वेट गेन होगा, उससे अच्छा पहले निकाल लो और जो मन करे वो खा भी लो। मतलब उसका मतलब ये है कि आप वर्कआउट करोगे तो आप अगर कोई हैवी चीज भी खाते हो तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, राइट? वो अंडा है उसके पीछे। तो यार अभी के सिनेरियो में ऐसे लगता है कि अच्छे से खा ले, नींद भर का सो जाए, टेंशन ना रहे ब्रेन में, अपना बॉडी फंक्शनिंग वेल हो, उठ चल खा फिर सके, जो डेली रूटीन है वो कर अभी सके। अभी के सिनेरियो में नहीं, सभी कोई भी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन, राइट? आपको अच्छे से भूख लगे, लोगों के पास करोड़ों अरबों होते हैं लेकिन उनको भूख नहीं लगती है, वो खा नहीं सकते। मुझे ही कभी कभी भूख नहीं लगती है, राइट? तली हुई चीजें नहीं खा सकते, जो उनका मन पसंद कोई स्वीट है उसको नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। तो ऐसे अरबों और खरबों रुपए का क्या मतलब है, उससे अच्छा तो एक मजदूर है जो दिन भर काम करता है और रात रात को जो मन में आए वो खा सकता है और आराम से सोता है। वो तो है, कम पैसे अर्न करके भी चैन से जिंदगी जीता है, राइट? तो वो चैन से सब कुछ जी सके, आराम से फंक्शनिंग कर सके लाइफ का, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, एवरी सिचुएशन, नॉट इन कोविड, रियल अगर नॉर्मल सिनेरियो है तभी भी, राइट? हाँ, बट ये सब चीजें ना हमेशा के लिए है, एक दिन के लिए नहीं। और ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो कोई भी सिनेरियो आए, चाहे कोविड आए या किसी तरह की और भी प्रॉब्लम्स आए, तो उसमें सर्वाइव कर जाएंगे। और मुझे एक चीज और लगता है, खुश रहना मेरा मेन इम्पोर्टेंट चीज लगता है, खुश रहना। अगर आप खुश होना तो किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर जाओगे, और खुश नहीं होना तो कितने भी अच्छे सिचुएशन रहे आप सर्वाइव नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है। खुश रहोगे तो आपको भूख लगेगी, आपको नींद आएगी, आपको जो करने का मन है फिजिकल एक्टिविटी वो भी अच्छे से होगा, और वही सब एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड है। हाँ, और ना एक दूसरे से, सही बोल रहा है, इंटरलिंक्ड है और ना डिपेंड भी करता है। जैसे अगर आपका मूड अच्छा है, आप खुश हो, तो कुछ गलती भी हो गया, कुछ गिर गया, दूध गिर गया या कुछ भी काम बिगड़ गया तो वो चल ठीक है जान दे, लेकिन मूड खराब है ना तो कितनों भी अच्छी चीज हुई रहे सब बर्बाद है ना। तो इसलिए है ना ये सारी चीजें एक दूसरे पे डिपेंड करती है, तो अपना मूड, एनवायरनमेंट सब अच्छा रखना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि सब ऐसा कोशिश करते हैं, वो अनसर्टेनिटी आ जाती है और कुछ ना कुछ हो जाता है और हम अपना टेम्पर खो देते हैं, अपना पेशेंस खो देते हैं, उसके कारण चीजें होती है। वो तो, जो उस टाइम का जो ड्यूरेशन होता है, उसको पास करना जो रहता है, वो ड्यूरेशन चला जाए, वो जो माइंड सेट जो थोड़ा सा आया उसको कैसे लेना है, और ये सब चीजें ना प्रैक्टिस से आती है।
ऐसे नहीं कि तुम एक दिन में ये सब सीख लोगे, राइट? अगर प्रैक्टिस किया है तो, और ये सब चीजों के लिए एक्सपीरियंस भी लगता है आई थिंक. अगर आपको एक्सपीरियंस आते जाता है ना लाइफ का, तो बड़ी से बड़ी जो भी वो है यानी परिस्थिति है उसको भी इजिली हैंडल कर सकते हैं. और एक्सपीरियंस नहीं है ना तो छोटी से भी छोटी परेशानियों को हम लोग बहुत बड़ी समझते. जैसे हम जैसे जैसे बड़े हुए और लाइफ में आगे बढ़े, जैसे जॉब करने बाहर निकले, घर से बाहर आए, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी बड़ी लगती थी. आज उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो आज ही आता है तो वो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं. अभी ऐसे लगता है वो कुछ प्रॉब्लम ही था, नॉनसेंस हम लोग परेशान होते थे, राइट? तो ऐसे वक्त के साथ साथ, समय के साथ साथ समझदारी आती है, एक्सपीरियंस आता है, ऐसे लगता है. तो वही ना, अपने लाइफ का जितना भी एक्सपीरियंस हमने किया, और सभी ने बड़े छोटे एक्सपीरियंस किए हैं अपने लाइफ में, सभी आगे बढ़े हैं, सभी सक्सेसफुल हुए हैं, तो उसी पल को ना याद करके जो ऐसे सिचुएशन आती है सैड या फिर बहुत एंजाइटी वाली सिचुएशन आती है, उसको क्रॉस करने की कोशिश करनी चाहिए. हाँ, डिफिकल्ट है दैट नोन, लेकिन उसको तो एनी वे क्रॉस करना ही है. जैसे आप मुझे बोलते हो किसी चीज़ को तो क्रॉस करना ही, तो हंस के कर लो यार. परेशान हो के करने से क्या मतलब है, राइट? तो आज का ज्ञान इतना ही था. आप कुछ ऐड करना चाहोगे? आज ऐसे ही मन में आया ये बात, और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, उससे अच्छा है मैं जा रही हूँ पानी गर्म करने. और मैं सोच रही हूँ ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय.